हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिल्डिंग जानकारी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि दोस्तों जब आपका घर रेडी हो जाता है तब बारी आता है उसमें दोस्तों पेंट करवाने का। और हमारे दिमाग पे भैया यही चीज़ घूमता है कि हमें पेंट करवाना चाहिए, वो भी दोस्तों सस्ता वाला पेंट। तो हम कौन सा पेंट करें, क्योंकि दोस्तों घर बनाने के चक्कर में पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग प्लानिंग करता है कि भैया हमारी घर इस तरह की बनेगा और अंत में जाके हम लोग इस तरह से पेंट करेंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि घर बनाने का फाइनल में हमारे जेब भैया थोड़ी ढीली हो जाता है, तभी दोस्तों हमारे दिमाग पे भैया यही आता है कि हमें एक सस्ता वाला पेंट करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, या तो भैया सस्ता वाला पेंट में से आप लोग चूना में किसी भी स्टेनर को मिक्स करके डायरेक्ट अपनी वॉल पर अप्लाई कर सकता है, या फिर दोस्तों व्हाइट सीमेंट में किसी भी स्टेनर को मिलाकर आप लोग भैया अपनी वॉल पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। भले ही दोस्तों इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कलर भैया आपको देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहता है कि हमारा घर तो रेडी हो चुका है और 4-5 साल भैया हमें पेंट नहीं करवाना चाहिए, ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं कर सकता है, तो हमें एक लो कॉस्ट में पेंट करवाना है और आगे जाके कुछ साल बाद फिर से हम दोस्तों अपने घर में रिपेंट यानी कि दोस्तों एक अच्छा वाला पेंट करेंगे जब ये हमारा बजट कुछ अच्छा हद तक हो जाएगा। इसलिए भैया अगर आप चाहता है कि हमें चूना पेंट करवाना चाहिए, तो क्या वाकई में चूना हमारी घर की वॉल पर काम करेगा, या फिर दोस्तों आपका जो पैसा है पूरा भैया बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पिछले दोस्तों 20-25 साल पहले हमारी वॉल में सबसे पहले भैया चूने का यूज़ होता है, या तो गांव में या तो शहर में। क्योंकि दोस्तों लोगों के पास उतना जब पैसा नहीं होता है तो उसका दिमाग में यही आता है कि भैया हमें चूने से पेंट करना है। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल चुका है और दोस्तों आप लोग सभी अपने घर में व्हाइट सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों चूने से काफ़ी हद तक अच्छा होता है भैया व्हाइट सीमेंट। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, व्हाइट सीमेंट का जो कॉस्ट है वो चूने से दोस्तों दुगना है। मतलब दोस्तों आपका एक रूम में चूना दोस्तों 10 किलो में आपका पूरा रूम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, मतलब एक रूम आपका फाइनल हो जाएगा। और 10 किलो चूने का दोस्तों प्राइस है सिर्फ 125 यानी कि दोस्तों 125 रुपया की लगभग। जबकि दोस्तों व्हाइट सीमेंट, मान लीजिए आप अपने एक रूम को व्हाइट सीमेंट अप्लाई करना चाहता है तो आपका खर्चा कितना आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए दोस्तों अगर आपका एक रूम 500 स्क्वायर फीट है तो 500 स्क्वायर फीट में भैया आपका 30 से लेकर 35 किलो व्हाइट सीमेंट भैया आपका खर्चा दोस्तों बिल्कुल भी हो जाएगा। व्हाइट सीमेंट करवाने में आपका 550 से लेकर 600 रुपया तक भी खर्चा हो जाएगा व्हाइट सीमेंट। इसलिए भैया अगर आप चाहता है तो अपने घर पर आप लोग चूने का यूज़ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों चूना का यूज़ करने से पहले एक चीज़ का ध्यान भैया अपने दिमाग पर हमेशा रखना कि जब भी दोस्तों आप चूने से पेंट करें उसमें भैया आपको DDL का फेविकोल ऐड करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर में डायरेक्ट चूना का अप्लाई करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा पकड़ेगा नहीं, और अगर आप लोग हाथ भी रगड़ेंगे तो चूना दोस्तों थोड़ा बहुत निकल के आ जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप लोग चूना का यूज़ करें तो भैया आप लोग DDL का फेविकोल जरूर उसमें मिक्स करें, और DDL का फेविकोल और दोस्तों चूने का बीच में जो रेशियो होना चाहिए वो कुछ इस तरह की होगा कि 10 किलो चूने में भैया आपको आधा लीटर ही DDL का फेविकोल मिक्स करना चाहिए, ताकि जाके दोस्तों आपका जो चूना और वाल है उसके बीच में अच्छा एक बॉन्डिंग बना जाएगा, एक अच्छा पकड़ बन जाएगा, और आप जितना चाहता है कि हमें उतना पकड़ मिले उतना दोस्तों मजबूती आपको चूने में भैया बिल्कुल भी मिल जाएगा। और दोस्तों चूना मिक्सिंग करने का प्रोसेस बिल्कुल भी दोस्तों सिंपल है। अगर आप दोस्तों दोला वाला चूना यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले उसमें भिगो देना है, और अगले दिन जाके जब आप लोग पेंट करेंगे तभी आप लोग दोस्तों पेंट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल चुका है, आप लोग अगर सूर्या का चूना यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट दोस्तों जिस वक्त आप लोग पेंट करवाना चाहता है उसी वक्त दोस्तों आप लोग व्हाइट सीमेंट जैसा मिक्सिंग करके अब अपने घर पर डायरेक्ट भैया अप्लाई कर सकता है। और इसमें अगर आप लोग चाहता है कि चूने में भैया हमें कलर मिक्सिंग करना है, दोस्तों आप लोग जिस कलर को अपने वॉल पर दिखना चाहता है उसी कलर को दोस्तों पेंट शॉप से लेके आना है, चूने में मिक्स करना है, और चूने में मिक्स करने के बाद अपनी वॉल पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादा दोस्तों आपको ब्राइटनेस भैया बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग इमल्सन
पेंट को भैया अपनी वॉल पर अप्लाई करता है उस तरह की चमक आपको भैया देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक सस्ता वाला पेंट कर रहा है तो सस्ता के हिसाब से दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कलरफुल देखने में लगेगा। लोग जब दोस्तों आपकी घर की तरफ देखेगा तो उसी को लगेगा कि भैया इसमें ज़्यादा तो खर्चा नहीं किया है, लेकिन दोस्तों काफ़ी हद तक इसमें पेंट किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी दोस्तों आपका जेब थोड़ा गर्म हो जाए और पैसा की आमदनी होने लगे तब जाके दोस्तों कुछ साल बाद आप उसमें वॉल पुट्टी का भी अप्लाई कर सकता है, प्राइमर का भी अप्लाई कर सकता है, ट्रैक्टर इमल्सन एशियन पेंट, नेरोलैक, आप किसी भी कंपनी का पेंट जाके आप दोस्तों रीपेंट करवा सकता है। और दोस्तों चूल्हे से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर दोस्तों कोई कमेंट है तो भैया उठाइए अपनी फोन, हमें दोस्तों कमेंट करें, आपके हर सवाल का जवाब दोस्तों हम जरूर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।